हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हुए। आज है 15 अगस्त का दिन। सोच रही थी जाऊंगी घूमने के लिए, बट देखिए पानी बरसने लगा यहाँ पे पूरे। देखिए सब प्लान चौपट हो गया। 8 बजे का टाइम था, जाते घूमने के लिए, झंडा फहराने के लिए। यहाँ बगल में ही होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत दिन के बाद जाती, पर सारा प्लान बिगड़ गया। मेरा थोड़ा सा गला भी बैठ गया है, ठंडा पानी पी रही हूँ इसकी वजह से। तो अभी ना अभी मैं 7:30 बजे तो उठी हूँ। रात में फिल्म देखने लगी थी, फिल्म देखते देखते अब 1-2 बज गए, पता ही नहीं चला। तो भी बज रहे हैं 8, और मम्मी भी बना रही है नाश्ता में लिट्टी। तो उसके लिए जा रही है, सतुआ नहीं है नीचे से लाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी दुकान में मेरे लाने के लिए। तो हम लोग का होता है ना, दुकान नीचे ही है, जो घटा तुरंत ले आते हैं। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। पहले दुकान है, जो घटता है ले आते हैं। देखिए सारा किराया, देखिए कितना सारा ऐसे ही गोडाउन बना हुआ है घर सब ऐसे ही है। और रात में शायद मैंने ठंडा पी लिया था कि क्या, मेरा गर्दन बैठा हुआ है अभी। विष्णु सतुआ लाते गो। तो देखिए ये मैंने ले लिया है सतुआ, और मम्मी बना रही है लिट्टी। चलिए यहाँ सतुआ छिली है लहसुन आदि, अब और बनेगा बनिए। डुगू उठ गया तू? झंडा फहराने नहीं जाएगा? झंडा फहराने आए भारत माता की जय करने। भारत माता की जय। पानी बरस गया। डुगू अब कैसे देखेगा? डुगू को भी ले जाते घूमने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग का राखी खत्म हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो ऐसा था कि बहुत दिन के बाद हम लोग भाई बहन मिले थे, तो नहीं मिले थे ना, तो मतलब आज मिले हैं बहुत दिन के बाद। तो सबका प्रोग्राम हुआ आज बाहर खाने का, तो सब अभी प्रोग्राम बना है बाहर खाने का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी होटल में। तो अभी क्या हुआ है कि मम्मी लोग को जो है ना, सो कहीं और से इनविटेशन आया था, तो मम्मी सानवी पापा वहीं जाएंगे, और जितने हम भाई बहन हैं और सब मामा सब भी आए हुए थे, और कज़िन सब भी है, तो सब जा रहे हैं। आज हम लोग का पार्टी होगा, क्योंकि वो जो कज़िन है वो लोग कल चले जाएंगे अपने घर पे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हो रहा है, भाई सब दे रहा है पार्टी, तो अच्छी बात है। दो भाई अभी जॉब लगा है, तो उसको पार्टी बाकी था, तो वही जा रहे हैं पार्टी में। तो अभी ऐसा है कि अभी मेरा छोटा भाई भी चला गया है, क्योंकि यही बगल में ही है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको लेकर मैं नहीं जाऊंगी अभी पैदल। तो मेरा एक बड़ा भाई है, तो वो बाइक से जाएगा थोड़ा देर में, उसको भी काम है, तब तक वो पहुंच जाएगा, तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो अभी घर में कोई नहीं है, अभी घर में मैं और डुग्गू है। तो जा रही हूँ अभी खाने के लिए, और दिखती हूँ क्या क्या कैसा प्रोग्राम करती हूँ, आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ना मैं अभी जा रही हूँ अब नीचे दुकान पे, देखती हूँ भीड़ है कि क्या है नीचे दुकान पे, क्योंकि उधर होके ही जाना पड़ता है। अभी वहाँ कस्टमर सब है, इसी के लिए शायद लेट से हम लोग जा रहे हैं। और देखिए डुगू को कितना मजा आ रहा है दुकान पे। वो ज़्यादातर दुकान पे ही बैठता है, जिनने मैं उसको यहीं छोड़ देती हूँ, तो वो घरवारी करते रहता है। यहाँ का सामान यहाँ, यहाँ का सामान यहाँ, इतने सारे सामान है ना, चक चक देके उसको अच्छा लगता है। और देखिए ये मेरे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी मेरा भाई जा रहा था, तो मेरे पापा ही बैठ जाते हैं, वो भी बैठते हैं, क्योंकि दोनों अभी मिल के ही काम करते हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं, देखिए ये मेरा बड़ा भाई है, और ये रहा होटल।
तो ये सबसे नज़दीक होटल पड़ता है हम लोग से घर से, तो यहाँ पे भीड़ भी रहती है क्योंकि मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहाँ मुझे लगता है सिर्फ ये एक ही ये होटल है जो मतलब फैमिली वाला है और अच्छा भी है, नज़दीक में भी है। तो यहाँ पहले उतना नहीं चलता था, लेकिन जैसे जैसे मतलब आदमी सब बढ़ते गए पता चलता गया, तो वैसे वैसे ये यहाँ पे है ना सो मीडियम वाले मतलब फैमिली भी जा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा पैसा में खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा पैसा मतलब कम पैसा में भी अच्छा मिलता है। और देखिए मेरे भाई सब मामा सब पहले ही बैठे हुए थे, तो सबको यहाँ पे थे मतलब 8 आदमी थे यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया हम लोग को ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम इतना आदमी हम लोग बैठ के खाए थे। और डुगू को मैं ले जाना पड़ा मुझे क्योंकि घर पे थे नहीं जो मतलब कोई रखता, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुआ मतलब खाने में, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकी क्योंकि डुगू बहुत परेशानी कर रहा था, इधर से उधर कर रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया खाने में, लेकिन ज़्यादा मैं इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि ये डुगू जो है ना बहुत 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 बदमाशी कर रहा था वहाँ पे उधर जाके, और वहाँ पे बैठ जाता था सो जाता था, तो उसको मुझे बार बार लाना पड़ता था। संजोग से उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं था, मतलब भीड़ ही था, ज़्यादा गैदरिंग नहीं था, नहीं तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो हम लोगों ने मंगाया है वेजिटेरियन में ही मंगाया है, पनीर और मशरूम का ऐसे कुछ मंगाया था। तो देखिए डोगो यहाँ कितना बदमाशी कर रहा है, और ये कुछ होटल का सीन है, अच्छा लगता है बगल में ही है तो हम लोग को मन होता है तो हम लोग बराबर यहीं पे चले आते हैं। और देखिए डुगू कितना एंजॉय कर रहा है वहाँ पे, लेकिन लेकिन बिल पेमेंट करने वक्त में गलती हो गई, वो लोग जितना बोले थे उतना हम लोगों ने दे दिया था। फिर बाद में बिल चेक करते हैं तो जो हम लोग को पता चला कि जब मैंने मतलब हम लोगों ने एक सामान तो मंगाया ही नहीं था, लेकिन हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, तो ये स्टाफ की गलती थी वहाँ पे, मतलब हम लोग बिल पैसा एक्स्ट्रा दे रहे थे और दे भी चुके थे उतना सारा, लेकिन एक मेरा भाई है तो वो चेक किया कि क्या क्या चीज़ लिए हैं। वैसे मेरा जो जिसने बिल पेमेंट किया था वो नहीं चेक किया था, फिर दूसरा कोई चेक किया था, तो फिर देखे 300 रुपया का घपला था वहाँ पे। तो फिर बाद में हम लोगों ने वह पैसा वापस लिए, तो आप लोग जो जब जाएं होटल में तो ज़रूर देखें कि क्या चीज़ आपने लिया है, क्या चीज़ का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर देखें। नहीं तो ऐसा होता है कि मतलब जो जाते हैं बस जितना बोला आदमी उतना पेमेंट कर देते हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और देखिए जाते जाते डुगू को ये फीस मिल गया था, कितना इंजॉय कर रहा है वो फीस से। तो हम लोग का बहुत अच्छा रहा रक्षाबंधन का दिन, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।